जय जिनेंद्र, आज आपके लिए लाए हैं जैन इतिहास के पन्नों से एक ऐसा किस्सा जब इंदिरा गांधी जी बन गई थी सच्ची जैन। जब जैन मुनि से उनकी मुलाकात पर संसद में हुआ था भारी हंगामा, तो उनके एक जवाब से सारे विरोधियों की बोलती बंद हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी क्यों बनी जैन? क्यों जैन मुनि से उनकी मुलाकात पर संसद में हंगामा हुआ? देखिए इस वीडियो में। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जैन धर्म पर कहती थी कि भगवान महावीर का अहिंसा संदेश आज पहले की अपेक्षा अधिक महत्व रखता है। देश को मजबूत बनाने के लिए हम सबका कर्तव्य है कि हम सब भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं का पालन करें। जैन मुनि से उनकी मुलाकात पर संसद में क्यों हंगामा हुआ, उससे पहले आपको बताते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने 13 पंथ आचार्य तुलसी जी के भी दर्शन किए थे। वे उनसे धर्म व समाज पर चर्चा की थी। जैन आचार्य तुलसी जी कहते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी वास्तव में एक विलक्षण महिला थी। उस अकेली महिला ने पूरे राष्ट्र को एक मुट्ठी में बांध रखा था। ऐसी अद्भुत महिला निकट अतीत में हुई नहीं और निकट भविष्य में होनी संभव नहीं लगती। इंदिरा गांधी जी वे पंडित नेहरू के करीबी रिश्तेदार गुजरात के जैन समाज से थे। कौन थे वो, यह जानने से पहले देखिए क्यों जैन मुनि से उनकी मुलाकात पर संसद में हंगामा हुआ। यह बात है सन 1981 की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक के दर्शन करने गई थी। भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में होता है। इसमें देश दुनिया के लाखों जैन लोग दर्शन करने आते हैं। 1981 से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी दो बार 1951 व 1967 में बाहुबली भगवान के दर्शन करने श्रवण बेलगोला जा चुकी थी। जब तीसरी बार 1981 में वे महामस्तकाभिषेक में गई, तो वहां उन्होंने आचार्य विद्यानंद जी महाराज के दर्शन किए और उन्हें वहीं मंच से राष्ट्र संत घोषित कर दिया और कहा कि ऐसे संत जिनका त्याग देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनसे ही यह भारत भूमि गौरवान्वित है। इसके साथ ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से भगवान बाहुबली की प्रतिमा पर फूलों की वर्षा करवाई। जब अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर वे दिल्ली लौटकर आई, तो संसद में बहस के दौरान कुछ सांसदों ने उनकी इस यात्रा पर आपत्ति की और संसद में हंगामा शुरू कर दिया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, मैं भारतीय विचारों की एक प्रमुख धारा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वहां गई थी। इस पर एक सांसद ने व्यंग्य करते हुए प्रश्न किया कि क्या अब आप जैन हो गई हैं? तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने गर्जना के साथ उत्तर दिया था, केवल मैं ही नहीं सारा राष्ट्र जैन है, क्योंकि हमारा राष्ट्र अहिंसावादी है और जैन धर्म अहिंसा में विश्वास रखता है। जैन धर्म के आदर्श के रास्ते को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर उनके विरोधी बगले झांकने लगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जैन धर्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंदिरा गांधी वे पंडित नेहरू के करीबी रिश्तेदार जैन समाज से थे। आपको बताते हैं कौन। पंडित नेहरू की छोटी बहन थी कृष्णा नेहरू, जो इस परिवार की ऐसी अकेली सदस्य थी जो सक्रिय राजनीति से दूर रही। उन्होंने गुजरात के एक जैन युवक गुणोत्तम हटी सिंह से विवाह किया था। इस तरह पंडित नेहरू के जीजा वे इंदिरा जी के फूफा एक जैन थे। मित्रों, आपसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जैन धर्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।